370 को नहीं जम्मू काश्मीर विधानसभा जोरदार हंगामा। विधानसभा परिसर पलटिला रणक्षेत्र, चिरागला पोस्टर। संविधान और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को सम्मान दौनी कांग्रेस बोली कहिले स्मृति ईरानी। लोकों को भ्रमित करुछि कांग्रेस, धारा 370 एवं इतिहास बोली कहिले किरण रिजू। जम्मू काश्मीर विधानसभा रे धारा 370 को नहीं जोरदार हंगामा। गृह कार्य चलता बेले ठेलापला हेले शासक और विरोधी दल नेता। धारा 370 को नहीं विधानसभा परिसर पलटिला रणक्षेत्र, चिरागला पोस्टर। गतकाल धारा 370 हटावा विरोध में जम्मू काश्मीर विधानसभा प्रस्ताव पारित होता। यह गतकाल गृह हंगामा जारी रही है। तबे गुरुवार गृह कार्य आरंभ होबा मात्रे एहाकु नै दुई पक्षर विधायक परस्पर मुहांमुही होइतिले। जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहां पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल खराब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। विधायक इंजीनियर रशीद को भाई खुर्शीद अहमद शेख गृह धारा 370 रो बैनर दिखाई। विधानसभा विरोधी दल नेता सुनील शर्मा बैनर प्रदर्शन को विरोध करते। पोस्टर देखा पर बीजेपी विधायक मैंने रागि जाते। हाथ बैनर छड़ाई नहीं। बीजेपी नेता रवींद्र इराना कहते जम्मू काश्मीर में धारा 370 वर्तमान इतिहास में परिणत हो। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के। यह केंद्र मंत्री किरण रिजू कहते धारा 370 पुणी लागू हेबो बोली कांग्रेस मिछ कही लोकों को भ्रमित करुछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह धारा अबे इतिहास पलटि जाइछि। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। सेपटे कांग्रेस ऊपर जोरदार बर्षिंट पूर्वतन केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। से कहते कांग्रेस भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को केबे भी सम्मान देनी। कांग्रेस नेतृत्वाधीन इंडी मेंटर यह पदक्षेप एवं सारा भारतीयों मनरे बड़ प्रश्न सृष्टि कर स्मृति। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में कल हंगामा हुआ और कांग्रेस कह रहे कि 370 को वापस लाना है। 370 की वजह से वहां आरक्षण नहीं मिलते थे। आप पूछिए जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पूछिए। मैं तो कश्मीर जाते रहता हूं, वहां इसलिए आरक्षण नहीं मिलते थे क्योंकि वहां अलग से संविधान बनाया हुआ है कश्मीर का। 370 ने उसको अलग करके रखा हुआ था। तो मोदी जी ने 370 को हटा करके SC ST कम्युनिटी को पूरा जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का काम किया। कल कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन मूव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कि 370 को वापस लाना है ताकि आरक्षण हट जाए। चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय
भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। विधानसभा परिस्थिति एपरी होता जे मार्शल मान हस्तक्षेप करने को पड़ता विधानसभा हंगामा करुवा किसी विपक्ष विधायकों को मार्शल माने बाहर को पठाई यापर गृह कार्य किसी समय पर बंद रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।